भाई बड़े मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसके अंदर से, यखनी के अंदर से। अब्दुल रहमान भाई मज़ा आ गया भाई, जायका जो अल्लाह पाक डालता। अब्दुल रहमान भाई ने तो कमाल कर दिया भाई, ये पूरे कराची में आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। और लेता हूँ बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहीद जाफरी और आप देख रहे हैं 1/4 प्रेजेंट। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मज़ेदार सी मटन यखनी और चिकन कारण सूप। कैसे बनती है मटन यखनी जो होती है, कौन बनाता है, क्या क्या लवाजमात इसके अंदर डलते हैं, कहां पे मिलती है कराची के अंदर, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं मटन यखनी की तरफ, इसके क्या प्राइस हैं ये भी जानते हैं अब्दुल रहमान भाई के पास। शॉप का नाम है चांद मटन यखनी, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मटन कढ़ाई का हमारे से थोड़ा सा मटन यखनी का थोड़ा सा बताइएगा, मटन यखनी कैसे आपको आइडिया है पूरे कराची में कहीं आपके पास? सबसे पहले तो भाईजान ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद लाखों सलाम, और उसके बाद अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुजार बंदा हूँ मैं कि उसने मुझे ये काम दिया, तो देखने की सुनने की बोलने की सलाहियत अदा फरमाई। मटन यखनी का सूप ऐसे आया, ये कमो बेच में लगा रहा हूँ 30-35 साल से, ये मैं 1.5 रुपये का बेचता था ये। उसके बाद मैंने लगाई चिकन की यखनी, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आया। अल्लाह पाक ने दिल में डाली बात सारी है, अल्लाह पाक ने दिल में डाला कि मैंने कोई नई चीज़ होनी चाहिए, तो मैंने कहा बकरे का लगाता हूँ मैं। मैंने 50 रुपये का ये प्याला लगाया था बकरे का। अल्लाह का शुक्र है कि पहले ही साल के अंदर लोगों ने पसंद किया और मुझे भी मज़ा आया। ये तकरीबन 6 साल हो गए जिसको मैं लगा रहा हूँ, ये इसको लगाते हुए तकरीबन 30-35 साल हो गए। चिकन कॉर्न सूप को इससे पहले मैं कस्बा कॉलोनी में लगाता था, 1.5 रुपये का बेचता था। अब सारी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ये आपके सामने देखें दस्ती लगी हुई है, ये जो चीज़ है आपके सामने है, ये दस्ती जो है कल इसमें आएगी, ये दस्ती ये पका हुआ है, इसके अंदर भी गोश्त है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ये इसमें रान दस्ती डालता हूँ मैं, हड्डी गुड्डियाँ डालता हूँ, गर्दन का गोश्त डालता हूँ मैं, बाकी गर्म मसाले वगैरह और अपने मतलब बनाए हुए मसाले वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये मैं तकरीबन रात को तहज्जुद पढ़ के फिर फजर पढ़ के ये 7 घंटे लगते हैं इसको पकने में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ मेरे साथ होती है बेचारी, वो मेरी मदद करती है, तो हम दोनों इसको बनाते हैं। ये 7 घंटे कमोबेश लगते हैं इसमें बनने में, जो भी बनाते हैं साफ तरीके से बनाते हैं, अच्छे तरीके से बनाते हैं, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के नमाज पढ़ के बनाते हैं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को बना के दिखाएंगे दोनों यखनी और सूप? हाँ दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे जी, बताइए। ये प्याला और पलेड़े मेरे हाथ में, ये इसके अंदर मैंने चम्मच रखी है, ये सही है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं अंडा इसके अंदर ऐड करूँगा अभी, ये अब मैं डाल रहा हूँ सूप इसमें, ये अंडा चिकन सूप बना रहा हूँ मैं, भाई साहब खड़े हैं इनके लिए। ये मैंने प्याला उठाया और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब तो बना, देता हूँ मैं आपको। ये क्या है ये हो गया कौन सूप है? ये चिकन कॉर्न सूप है, ये अंडा इसमें ऐड हो रहा है, ये ठीक है। उसके बाद ये नमक डाला मैंने, ये काली मिर्च है, ये मेरा मसाला है, ये हरी चटनी है हमारी, सही है, ये चिल्ली सॉस है, ये सही ठीक है जी, ये सिरका है,
और ये चिकन है। और कोई अगर इसमें मजीद अगर पापड़ी डलवाता है तो मैं पापड़ी अलग से उसमें डालता हूँ। पापड़ी कैसे थोड़ा सा है पापड़ी दिखाइए, पापड़ी देना भाई। अच्छा पापड़ी से क्या होता है, लोग पसंद करते हैं, इसको अच्छा लगता है। तो ये सही है। सही। ये पापड़ी हो गई, ये कंप्लीट हो गया, ये सही सही, यानी ये हमारा तैयार हो गया। ये किलोर से अब ये मैंने दे रहा हूँ कस्टमर को भी। सही कस्टमर जरा सामने गए। सही। अब उसके बाद में अंडे वाली यखनी बना के दे रहा हूँ आपको। यखनी, यखनी अंडे वाली, अंडे वाली यखनी। ये मटन वाली यखनी है। हाँ अंडे मटन, मटन वाली, इसके अंदर अंडा ऐड होगा। सही। ये यखनी है, ये प्याला है, ये मटन है और ये इसमें सूप है इसका। ये सादी बना रहा हूँ मैं अंडे के साथ, गोश्त वाली होती है वो अलग होती है। ओके। ये ये अंडे वाली है, ये देखें, ये अंडा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। ये मैंने इसमें नमक डाला बस, ज़रा सा ये काली मिर्चें डाली हैं ज़रा सी, और ये बिस्मिल्लाह पड़ गई नीचे से निकली आपकी अपनी। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर तरी है, हम अपने पास से ना एक चम्मच घी डालते हैं ना तेल डालते हैं, कुछ भी नहीं डालते हम, ये इसी का निकलता है हड्डियों का इनका। ये तरी है, ये आलू देखें आप, ये लो बड़े भाई। यानी आपने दोनों चीजें तैयार कर ली जी, ये अच्छा, कस्टमर के लिए बनाया है वो सामने है वो। अच्छा मसाला दिखाएंगे कौन कौन सा, ये समझ लो, नमक है, सही है, काली मिर्च है, ये हमारा अपना बनाया है मोटा मसाला है, सही है, हरी चटनी है, ये हरी मिर्च कटी हुई, सही है, ये देखें ये मिर्च कटी हुई, सही, ये हरी चटनी है, सही है, ये चिल्ली सॉस है, ये सही है, और ये सिरका, सिरका खटास। अच्छा ये क्या चीज़ें थोड़ा सा इसका बताओ। अच्छा ये हड्डी गुड्डियाँ हैं इसकी, हड्डियाँ हैं बकरी की, हाँ ये अलग से हैं, ये हड्डी गुड्डियाँ भी इसी में पकती हैं, कस्टमर कोई मांगता है तो मैं हड्डी उठा के ऐसी अपनी तरफ से इसको दे देता हूँ। इसमें गोश्त भी लगा हुआ होता है, देखें ये गोश्त है इसमें लगा हुआ है, ये इसी तरह कोई मांगता है तो दे देते हैं। अच्छा ये क्या है, ये भी यही है, एक इसमें क्या नली, नली भी डालते हैं वो रान के साथ जो निकलती है ना, तो उसमें नली होगी वो, तो जरा उठा के दिखाएंगे हमारे ये क्या मतलब, एक नली वाली नली, हाँ ये नली निकलती है उसमें से, देखें इसके अंदर खाली हो गया होता है इसमें। अच्छा अच्छा वैसे अगर किसी को नली वाला यखनी, हाँ अगर नलियाँ मेरे पास होती हैं, कोई नली अलग से डलवाता है तो उसके 80 रुपये होते हैं। सही सही सही। वालेकुम सलाम जनाब, सूप जो है ना ऐसी चीज़ है जो कि जिस्म को हरकत देती है, हरकत देती है, और सर्दियों में इसका बहुत बड़ा काम है, जिस्म को गर्म करती है, जिस्म में आजकल जैसे हवा चल रही है ठंडी, जिसमें मैं दर्द सा महसूस होता ही होता है, पीने से थोड़ा गर्माई कहती है जिसम के दर्द, तो उससे एक अच्छा फील होता है। जनाब मैं तो काफ़ी साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, सर्दियों में उमन यहाँ से आता हूँ, और आते हुए यहाँ ज़रूर पीता हुआ जाता हूँ, शाम को ऑफिस से ऑफ करता हुआ, और ये चांदबे की यखनी जो है काफ़ी मशहूर है और काफ़ी टेस्टी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस 4-5 साल से पी रहा हूँ, और यकीन करें टेस्ट एक जैसा ही है, और बकरी की यखनी पहली बात है कहीं मिलती नहीं है, बटेर की मिल जाती है और दूसरी चिकन कौन सा मिल जाता है, लेकिन हमें जो है ना ये बकरी की जो यखनी है ये यही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, और इसका टेस्ट बेहतरीन और ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बात है। अच्छा इसके अलावा कहीं है मटन की यखनी? नहीं और कहीं नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं देखी भाई, मैंने तो 4-5 साल यही से पीता हूँ, यही से पीता हुआ जाता हूँ, अभी घर जा रहा था पीता हुआ जा रहा था, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है, और इसके अलावा मैंने मटन की कहीं नहीं देखी। यखनी पीने के लिए आया हम लोग, बहुत बेहतरीन यखनी है, और ये खालिस बकरे की यखनी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप कहीं पर भी चले आए यखनी बकरे की कहीं मिलती नहीं है, भाई चांद भाई की मिलती है, और चांद भाई की यखनी जो बेहतरीन है और ओरिजिनल है बिल्कुल, यानी कि मिलावट है इसमें बेहतरीन है, इसलिए मैं कहता हूँ सर्दियों का सीज़न है, आप इंजॉय करें यहाँ पर आके और पिए मज़े ले लेके, और मुनासिब प्राइस है, कीमत भी मुनासिब है, बेबरी की बहुत ज़्यादा है बकरे की यखनी की वजह से, तो मैं तो मैसेज ये कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। आपने ये चांद भाई का जिक्र नहीं बताया कि चांद भाई नाम किसका है? चांद मेरा नाम नहीं है असल में, मेरा नाम तो अब्दुल रहमान कादरी है, नाम ये चांद मैंने इसलिए रखा अपनी शॉप का, हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है, मेरा आइडियल असल में चांद ही इसलिए कि ये मेरी वालदा का नाम है, ये मैंने अपनी वालदा के नाम से रखा है। एक लाख शुक्र करता हूँ मैं, बहुत शुक्र करता हूँ। अच्छा आपने दोनों सूप को बना के दिखाया हमारे लोगों को,
वैसे नहीं बताए कि क्या क्या प्राइस। सादा जो चिकन कोरम सूप है मेरे पास वो 80 रुपए का होता है, अंडे के साथ 120 रुपए का ही है, ये दो रेट हैं इसके बस। ये इसका भी सादा 80 रुपए का है, मटन यखनी 80 रुपए की, अंडे के साथ 120, गोश्त वाली लेंगे तो वो सादी यखनी गोश्त वाली 200 की है, और अंडा यखनी गोश्त लेंगे तो 240 का है वो, 80, 120, 200 और 240 मटन यखनी पेवर। किसी को अगर पीना हो तो आपका एड्रेस आपको बताएंगे? एड्रेस मेरा बहुत आसान है, बिल्कुल गोली मार चौरंगी कहलाती है ये, गोली मार चौरंगी मुल्ला अहमद हलवाई के सामने रिजविया मार्केट, ये बिल्कुल मेन है ये, इसके नजर जाएंगे तो आप जो ना सेनेटरी मार्केट भी है मुल्ला अहमद हलवाई के सामने, और मेरा टेलीफोन नंबर भी है डाल दिया आपने। मैं सारे मामले आर्डर पूरे करता हूँ, शादी के वलीमे के जो भी प्रोग्राम हो छोटे बड़े वो सारे पूरे करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी 14 तारीख का मेरा जो है ना मीरपुर खास का है, तकरीबन 2000 है, 14 तारीख को इंशाल्लाह मेरा मीरपुर खास का आर्डर है मेरे पास, वहाँ जाऊँगा मैं। भाई बड़े मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसके अंदर से, यखनी के अंदर से। तो रहमान भाई मज़ा आ गया भाई, जायका जो अल्लाह पाक डालता बेशक जी। दोस्तों मैंने कहा था ना आपको कि दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, अब्दुल रहमान भाई ने प्राइस भी बता दिए चिकन कॉर्न सूप के भी और यखनी के भी, मटन यखनी के कराची में कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इधर मिलेगी गोली मार चौरंगी के ऊपर मुल्ला हलवाई के सामने। अब्दुल रहमान भाई ने पूरा एड्रेस समझा दिया, आए लाजमी आए ट्राई करें, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मुझे तो खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, वाह। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, नए आने वाले भी आऊँगा एक और इसी तरह की मज़ेदार की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो नासिर। हाँ।